केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है। वहीं सरकार ने कहा है कि वो लगातार जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नजर रख रही है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये बात कही है। जारी किए गए बयान में मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने, साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त आवंटन के लिए भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2023 को लगभग 159 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 104 LMT चावल उपलब्ध रहेगा। सरकार के नियमों के अनुसार साल में पहली जनवरी को भंडारों में कम 138 लाख टन गेहूं और 76 लाख टन चावल का बफर स्टॉक रहना जरूरी है। वहीं 15 दिसंबर तक देश में 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल भंडारों में मौजूद था। नियम के तहत प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को अनाज का एक तयशुदा भंडार मौजूद होना जरूरी है। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का भंडार हमेशा इस आवश्यक पैमाने से अधिक रहा है। बफर स्टॉक कल्याणकारी योजनाओं में अनाज की खपत के आधार पर तय किया जाता है। PMGKY योजना में केंद्र हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रतिदिन प्रति माह देती है। सरकार ने कहा है कि साल 2022 में कई वजहों से गेहूं की खरीद कम हुई थी, जिससे समय में पहले गर्मी, खुले बाजार में ऊंची कीमतें और दुनिया भर में संकट की वजह से बढ़ती मांग शामिल थी। हालांकि इन सब के बाद भी केंद्रीय भंडार जरूरी सीमा से ज्यादा भरे रहे। बयान में कहा गया है कि भंडार में इतना गेहूं मौजूद है कि अगली फसल आने तक अनाज की कोई कमी नहीं होगी। अगले वर्ष गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी और गेहूं के बढ़ते रकबे को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भी पैदावार अच्छी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।